कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में सुख शांति उन्नति प्रगति सदगति ये सब प्राप्त हो। कबीर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जीवन जीने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन जो कर्म का फल है उस फल को पाने में परतंत्र है। क्योंकि कर्म तुम करते हो लेकिन फल तुमको कर्म देता है। ये झूला बंद करा दे, एक पुलिस जवान जा करके झूला बंद कराएं, जब तक प्रवचन होगा झूला नहीं चलेगा। यहाँ कोई हुल्लड़ नहीं होना चाहिए, झूला वाले को यहाँ आना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही सब माया मोह का झूला झूलते ही है, इसको बंद कराइए शक्ति के साथ। कमांडो साहब, पुलिस जवान भी जाए और तुम भी जाओ, बंद कराइए झूला। कोई अल्ला गुल्ला नहीं आना चाहिए, शांति रहे। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कबीर साहब प्रायः उदाहरण देते हैं कि यदि आपने अपने खेत में बबूल बोया है और बबूल के वृक्ष से आम के फल खाना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। आपको आम बोना पड़ेगा तभी आपको आम खाने को मिलेगा। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आदमी कभी अपने भाग्य को ज्योतिषी को जाकर पूछता है कि मेरा भविष्य कैसा है, ज्योतिषी जी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या है। किसी गांव में एक ज्योतिषी आया, गांव की महिलाएं उसको अपना अपना हाथ दिखाने लगी। एक महिला ने पूछा कि ज्योतिषी जी 20 साल हो गए दुख भोगते भोगते, देखो मेरे भाग्य में आगे सुख है कि नहीं। ज्योतिषी ने कहा कि दुख भोगते भोगते 20 साल हो गए, अभी 3 साल और दुख है, 3 साल के बाद ठीक हो जाएगा। तो उस महिला ने कहा कि 3 साल बाद सब सुख हो जाएगा। तो ज्योतिषी ने कहा सुख तो नहीं होगा लेकिन 3 साल और तुम दुख से दुखी रहोगी, छटपटाओगी, तड़पोगी, और 3 साल और दुख में गुजरते गुजरते फिर दुख में जीने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर तड़पोगी नहीं लेकिन दुख रहेगा, बस उसी में एडजस्ट हो जाओगी। कोई भी बहू ससुराल जब जाती है 1-2 साल वो छटपटाती है और फिर उसी कबाड़ खाने में उसी नगाड़ खाने में सेट हो जाती है। ये संसार ऐसा ही है,
यहां सभी को एडजस्ट होना पड़ता है, अपने आप को सेट होना पड़ता है। और मनुष्य के पास में बहुत से सेट हैं, टाइम देखने के लिए घड़ी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, पिक्चर और न्यूज देखने के लिए टीवी सेट है, बात करने के लिए मोबाइल सेट है, चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट नहीं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती है और मनुष्य की जिंदगी ये ज्वाइंट जिंदगी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी जिंदगी इकलौती जिंदगी नहीं है, अकेली जिंदगी नहीं है, एलोन लाइफ नहीं है, ज्वाइंट लाइफ है। कहीं ना कहीं निकट से दूर से आपकी जिंदगी बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। कई बार तुम कहते हो चुनाव हो रहा हमको इससे क्या लेना देना, लेकिन नहीं, चुनाव से भी जिंदगी आपकी जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस व्यक्ति का चुनाव होगा वो व्यक्ति रोड बनाएगा, नहर बनाएगा, बिजली लाएगा, वही विधायक, वही मंत्री, वही सांसद। जब बिजली आपके घर में नहीं आएगी तब आपको चिंता होगी कि बिजली नहीं है। क्यों नहीं है? सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी जिंदगी जुड़ी हुई है, लाइट वहां से आ रही है, सड़कें वहां से बन रही है। इसलिए आप कितना दूर भागो राजनीति से, खुद राजनीति करो न करो, लेकिन राजनीति से भी तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई तुमसे अलग हो गया, बंटवारा कर लिया, फिर भी रिश्ता है। गलती करेगा, लोग कहेंगे उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका साला है, दारू पीकर पड़ा है, सब बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा नाम भी साथ में जुड़कर आ जाता है और जहां जहां तुम्हारा नाम जुड़कर आता है वहां वहां तुम दुख और सुख से प्रभावित हो जाते हो। सम्मान और अपमान का प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण पर पड़ता है। आपका साला आईएएस अफसर हो गया, उससे मिलने वाला आपको कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुमको खुशी है कि कोई पूछेगा तो बताऊंगा मेरा साला आईएएस अफसर है, बनारस में डीएम बनकर आया है। खुशी है, जिंदगी जुड़ी हुई। इसलिए जहां पर कई लोगों से जिंदगी जुड़ जाती है मैंने सुना है एक आदमी ने अपनी दुकान का नाम कार्नेगी बंधु कबाड़ी स्टोर रखा। क्या नाम रखा? कार्नेगी बंधु कबाड़ी स्टोर, कार्नेगी ब्रदर्स कबाड़ी सेंटर। एक दिन एंड्रू कार्नेगी उसी सड़क से निकले, उन्होंने बोर्ड लगा हुआ देखा तो उस कबाड़ी को बुलाया, कहा ये बोर्ड हटा दीजिए, मैं एंड्रू कार्नेगी हूं और तूने ये कार्नेगी ब्रदर्स कबाड़ी सेंटर क्यों लिखा, इसमें मेरी बदनामी नहीं होती?
मैं इतना बड़ा लोहे की स्टील की कंपनी का मालिक है और तू कबाड़ी में लिख दिया मेरा कार्नेगी। ये क्यों लिखा? कार्नेगी ब्रदर्स। बोले मानो ना मानो मैं आपका भाई हूँ। बोले कैसे भाई है तू? बोले इस तरह भाई हूँ कि जो लोहा तुम कंपनी में बनाते हो, स्टील बनाते हो, वो जब पुराना हो जाता है तो उसको मैं खरीदता हूँ, तो बिजनेस की दृष्टि से मैं आपका भाई हूँ, इसलिए ब्रदर्स लिखा। बोले मेरी बदनामी होती है। बोले कुछ भी हो पर है तो तुम्हारी कंपनी का ही लोहा, वही कबाड़ी हुआ है। एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि कहां से कहां आकर के मेरा नाम जुड़ गया है। याद रखना, इस दुनिया के अंदर नाम का भी बहुत बड़ा खेल है, नाम का बहुत बड़ा खेल है। जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो उनकी गलतियां भी तुम्हारे नाम को बदनाम कर सकती है, उनकी अच्छाइयां तुम्हारे नाम को सम्मान दिला सकती है, उनके कार्य तुम्हें धन्यवाद दिला सकते हैं। आज के 30-32 वर्ष पहले लखनऊ में प्रकाशन केंद्र में मैं गया था, तो उस प्रकाशन केंद्र का जो हेड अकाउंटेंट था वो मुझको मिलने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते आया, बोला मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ में उस समय दो छोटे छोटे शिष्य थे, अनुभव दास और प्रवीण दास, 8-9 साल की उम्र थी उनकी। तो आया और किसी ने बताया कि आपको मिलना चाहते हेड अकाउंटेंट साहब। तो मैं सोचा वो छोटे संत हैं, 8-9 साल के, कोई गलती किया होगा, कहीं कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा, तार नोच दिया होगा, बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा संकोच किया, डर गया। मैंने कहा आने तो आ गई। हमने कहा आपको धन्यवाद है। क्या बात है? बोले आपके जो छोटे संत हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो बोले इतना बुद्धिमान है वो, हमारे प्रकाशन केंद्र के मालिक से उसका शास्त्रार्थ हो गया। आधे घंटे तक हमारे मालिक ने उससे तर्क वितर्क किया, आखिर मालिक को हारना पड़ा और आपका शिष्य जीत गया। तो मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि जिसका शिष्य इतना जबरदस्त है तो गुरु कैसा होगा। तो मुझे खुशी हुई कि चेला ने बाजी मार दी। अगर शिष्य गलती करे गुरुदेव को शिकायत मिलेगी, गुरुदेव को दो बातें सुननी पड़ेंगी। बेटी की गलती माँ बाप को शर्मिंदा कर देती है और बेटी की समझदारी माँ बाप को सर उठाकर जीने का सौभाग्य प्रदान करती है। बेटे की सावधानी माँ बाप को सम्मान दिलाती है। बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ससुर दामाद का रिश्ता, ये सभी रिश्ता एक दूसरे के सम्मान और अपमान को बढ़ाते घटाते रहते हैं। इसलिए पड़ोसी का भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। पड़ोसी यदि अगरबत्ती जलाता है अपने घर में, खुशबू तुम्हारे घर में फ्री में आ जाती है, क्योंकि खुशबू तो फैलती है। लेकिन पड़ोसी यदि अपने घर में पत्नी को जोर जोर गाली देता है, मार पीट करता है, पत्नी रोती चिल्लाती है, तो गालियां तुम्हारे घर तक भी सुनाई देती हैं, रोने की आवाज भी सुनाई देती है,
तुमको डिस्टर्ब भी होता है। इसलिए सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनको पड़ोसी भी अच्छे मिले, क्योंकि पड़ोसी भी तुम्हारी शांति और अशांति को जन्म देता है। गुजरात में जब लोग मकान बनाते हैं तो लोग सोसाइटी ढूंढते हैं कि सोसाइटी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं आसपास के। मकान की कीमत यदि 50 लाख है तो जो सोसाइटी में लोग रहते हैं ए क्लास के, सुपर क्लास के संस्कारी लोग, उनकी वजह से उस सोसाइटी के मकान की कीमत 70 लाख हो जाती है। क्योंकि मकान तुम कहीं भी बना सकते हो, लेकिन आजू बाजू में दुष्ट लोग हैं तो आपकी जिंदगी सब जंगल हो गई, दंगल हो गई, मंगल में नहीं होगी, दुखी रहोगे। पड़ोसी का भी प्रभाव तुम पर पड़ता है। दिन भर में जो लोग तुमको मिलते हैं उनसे बहुत कुछ लेना देना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी उनसे तुम्हारी जिंदगी प्रभावित होती है। जब तुम घर वापस लौट कर आते हो तो उनकी याद आती है कि आज बड़ा घमंडी आदमी मिल गया था। लेना देना कुछ नहीं है, उसका घमंड उसके पास है, वो आपको नमस्कार नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी आपको चोट लग गई और उसकी याद आती है कि बहुत दुष्ट है, इतना घमंड रखता है, चलो कभी चांस मिलेगा इसका घमंड ठीक करेंगे। किसी गांव में एक मास्टर रहता था, वो गांव में किसी से तालमेल रखता ही नहीं था, साइकिल पर भी चलता था तो ऐंठ के चलता था, गर्दन थोड़ा ऐसे घुमा के। तो गांव के 2-3 लोग मेरे पास आए, बोले ये मास्टर है, इसको बहुत घमंड है, कभी चांस मिलेगा इसकी पूरी गर्दन ऐंठ दूंगा। तो हमने कहा वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके चलता, तुमसे क्या मतलब, बोले बर्दाश्त से बाहर। दूसरे का अहंकार, कुछ लेना देना नहीं फिर भी बर्दाश्त से बाहर होता। दूसरों की नम्रता आपको प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। दूसरों का सुंदर स्वभाव भी आपको आनंदित करता है। आप केवल अपने स्वभाव से ही सुखी होंगे ऐसा नहीं है, आप दूसरों के स्वभाव से भी दुखी सुखी होते हैं, दूसरों के चरित्र से भी दुखी सुखी होते हैं, दूसरों के कर्मों से भी आपकी जिंदगी प्रभावित होती है, और दूसरों के व्यवहार बर्ताव वाणी बोल चाल से भी आपके दुख सुख का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसलिए मनुष्य को सुखी होना बहुत कठिन है, क्योंकि आप पूरा पूरा संभल जाओगे लेकिन आपके सुबह से शाम तक मिलने वाले लोग वो गड़बड़ है तो भी आपकी शांति भंग हो सकती है। एक दुकानदार की शांति को एक नासमझ ग्राहक भी भंग कर सकता है, उल्टी पलटी बात बोलेगा अगर तुम्हारा दिमाग गर्म हो सकता है। इसलिए कहते हैं सहनशील बनो, गम खाओ, कम खाओ, माफ करो, क्षमा करो, भूल जाओ, शांति से रहो। बाप बेटे लड़ रहे थे, पोता अपने दादा के टांग पर हाथ मार रहा था कि दादा तुम ही शांत हो जाओ। मैंने कहा है क्या, तो पोता ने कहा मैं मिलिट्री में हूं। भैया मेरे दादाजी ये पुराने अहंकार में रहते हैं, ये मेरा बाप आखिर इन्हीं का बेटा है, दोनों लड़ते हैं, हमको बीच बराव करना पड़ता है, लपटी लुपटा तक हो जाती है, 2-3 बार पटकी पुटका हुई है, अब हम पोता होकर इनको कंट्रोल करते हैं।
रिश्ते में जो छोटा है, उम्र में जो छोटा है, लेकिन बुद्धि और समझदारी में जो बड़ा है, वो व्यक्ति अपने बड़े बड़े रिश्ते वालों को भी कंट्रोल करने का काम करता है, और जिसके पास में खुद को कंट्रोल करने की क्षमता है, वो दूसरों को भी कंट्रोल करना जानता है, और जो कंट्रोलिंग पावर रखता है वो व्यक्ति माहौल को शांत कर सकता है। समझाना सीखो,